है कोलकाता रेप मर्डर केस में क्या अपडेट है आपको बता दें, इसमें जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त जेल में हो रहा है। इधर आरजीकार मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनसे सीबीआई आज 9वें दिन भी पूछताछ कर रही है। अब तक संदीप घोष से करीब 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई की टीम संदीप घोष सहित पीड़िता के जो 4 साथी डॉक्टर्स हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी, इसकी तैयारी भी हो गई है। सीबीआई की सीएफएसएल टीम के एक्सपर्ट्स ये टेस्ट करेंगे। इस बीच कोलकाता पुलिस की एसआईटी ने वित्तीय आरजीकार मेडिकल कॉलेज में जो वित्तीय अनियमितताएं थी उससे जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं, जिसके आधार पर सीबीआई भ्रष्टाचार का केस दर्ज करेगी। कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल रहे हैं कि क्या ये जो मामला है शुरुआत से ही अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है कि ये सिर्फ रेप का मामला है या फिर गैंग रेप हुआ है, हत्या को शुरुआत में आत्महत्या क्यों कह दिया गया, एफआईआर में देरी क्यों की गई, ये तमाम सवाल है। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट भले ही कोर्ट में मान्य ना हो लेकिन जांच कर रही सीबीआई टीम को काफी कुछ इससे पता चल पाएगा। तो इस बीच खबर ये भी बता दें कि जो मुख्य आरोपी है रेप और मर्डर का मुख्य आरोपी संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त जेल में चल रहा है और यहाँ पर साथ ही बाकी और लोगों के भी ये पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, जिसमें जो पीड़ित डॉक्टर रही है जिनकी रेप और हत्या हुई है उनके जो 4 साथी डॉक्टर थे उनके भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। साथ ही साथ जो संदीप घोष हैं पूर्व प्रिंसिपल उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ। मुकेश, आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है, कितनी देर तक ये चलता है और कब तक इसकी रिपोर्ट आती है और क्या क्या डिटेल्स? देखिए, इसमें कुल 7 लोग हैं जिनके पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गए हैं। इसमें 4 ट्रेनी डॉक्टर हैं, संजय रॉय जो आरोपी है वो है, संदीप घोष जो कि आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा एक वॉलंटियर है, इसका भी जो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। तो कुल 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहे हैं। आरोपी संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो प्रेसिडेंसी जेल के अंदर हो रहा है और वहां पर सीएफएसएल के एक्सपर्ट गए हैं जो कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कर रहे हैं। बाकी लोगों के जो टेस्ट हैं वो सीबीआई के लैब में हो रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट में एक टेस्ट में 3 घंटे लगते हैं, तो ये माना जा रहा है कि देर रात तक सभी के पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाएंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक सभी के पॉलीग्राफी टेस्ट खत्म हो जाएंगे। दरअसल सीबीआई को ऐसा लगता है कि ये जो 7 लोग हैं ये इस मामले में अहम किरदार हैं और ऐसी कुछ जानकारियां हैं जो कि ये छिपा रहे हैं, इसीलिए इन सबका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। और खासतौर से संदीप घोष जिस पर आरोप है कि उसने घटना की जानकारी देर से दी घर वालों को, पहले इसको आत्महत्या बताया, पुलिस को बहुत देर से जानकारी दी, क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया, तो उसको लेकर एक जांच का बड़ा जा रहा है और उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। तो ये आज की जो सीबीआई की जांच है वो काफी इम्पोर्टेंट है और इसकी रिपोर्ट जो है वो कल तक तैयार हो जाएगी। तो आज टेस्ट होने के बाद कल तक जो एक्सपर्ट हैं वो एक ग्राफ के जरिए रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे मालूम चलेगा कि आरोपी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब ही होता है झूठ की, झूठ पकड़ने वाली मशीन जिस पर बिठाते हैं। तो कल तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जी मुकेश, क्योंकि कई सवाल हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये रेप था या गैंग रेप था, और भी कई सवाल हैं, तो शायद इस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए काफी कुछ सवालों के जवाब भी साफ हो पाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है कि इस केस की जांच को नई दिशा मिल जाए, जो शक जो सवाल सीबीआई के मन में घूम रहे हैं शायद उन सवालों के जवाब मिल जाएं और ये भी साफ हो जाए कि क्या आरोपी पूछताछ के दौरान झूठ बोल रहे हैं। तो इस केस की जांच को एक नई दिशा मिल सकती है, नई लीड मिल सकती है। हाँ। और ये काफी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर ये टेस्ट सही हो गए तो इसके आगे फिर जो और साइंटिफिक टेस्ट है वो भी सीबीआई करवा सकती है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। तो यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुके हैं, 7 लोगों के, मुख्य आरोपी संजय रॉय है उसका भी यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट वो की जेल में ही चल रहा है। इसके अलावा बाकी जो इस केस से संबंधित सीबीआई जिनसे पूछताछ करना चाह रही है उनके पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं, 4 साथी डॉक्टर भी हैं और एक अन्य। तो कुल 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो रहे हैं, रात तक, देर रात तक ये टेस्ट होने हैं।